কাশ্মীর রাজুরীত এজাক মহিলায় কালিছে। হুকুকাই কান্দিছে মহিলাসকলে। এই মহিলাসকলৰ সন্মুখত চাৰিটা মৃতদেহ বগা কাপোৰৰে ৰাজপথত চাৰিটা মৃতদেহ সজাই থোৱা হৈছে। আচলতে কাশ্মীৰত এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গভীৰ নিশা দুজনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰজৰীৰ এখন গাঁৱত। গাঁৱত থকা মানুহবোৰৰ আধাৰ কাৰ্ড পৰীক্ষা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে। ইয়াৰ পিছত বাছি বাছি চাৰিজনকৈ কাশ্মীৰী পণ্ডিতক হত্যা কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। और छः और इंजर्ड हैं, सभी इंजर्ड की हालत अभी स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ इलाज रजौरी के हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ लोगों का इलाज जम्मू के हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके बाद आज सुबह जब तलाशी चल रही थी तब एक और यहां पे धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी जिसके अंदर धमाका हुआ। उस पर एक बच्चे की डेथ हुई है और 7 लोग और इंजर्ड है उसमें। मामले की जांच चल रही है। असल में अतर्कित गभीर निशा एक कार्य कैने को संगठित हल क्या कोनो तुलुकी बोय नवाले ओए हम भैरी थे बैठे हुए सभी ये भी अपने अंदर थे आए उधर से आए ऊपर से आए जी मेरा देर है ये आए मेरा देवर है दरानी उसके बच्चे आए आए ओ भैया जी मेरे देवर की डेथ हो गई है। 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए हेलो ए आए बिरता देवी हमें नहीं पता चला, हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। आए आए वो बच्चो मड़िया दीपू पुत्रा। घटनास्थलित लगे लगे प्रवेश करिसिल सेनार दल। অভিযান চলি থকা অবস্থাতে আইডি বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণত এটি শিশুর মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্ত কেবাজন। हम क्या कहें, यहाँ आर्मी पुलिस रात के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अभी एक आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो बची, जो हमारा बचा हुआ था वो भी निकल गया। और वो देखिए घर के सामने वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और बुरे तरीके से जो बच्चे के चिथड़े उड़ गए हैं और साथ में उसके एक और है जो उसकी भी डेथ हो गई होगी और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, उनको उठा के अभी अभी हॉस्पिटल में ले गए हैं। कुछ कहने के कंडीशन में नहीं है। अभी ब्लास्ट हुआ है, उस छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, 5 साल का बच्चा था, 6 साल का। उस बच्चे का जो सिर था पूरा, उसका सिर जो था मेरे हाथ में रहा, बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया, बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया। रात को हम इस घर पे आए थे, यहाँ से हमने डेड बॉडी निकाली, एक रात को यहाँ पे एक डेड बॉडी निकाली। तो सुबह से रात से आर्मी और पुलिस घूम रही है, इनको पता नहीं चला। और अभी ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे और उनकी डेथ हो चुकी है, 3 जो है वो हॉस्पिटल में भेज दिया गया। কাশ্মীর আর কাশ্মীরি পণ্ডিত সকলে এটা নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে, বারে বারে তেওঁলোক টার্গেট হয়ে পড়ছে। ইয়ার বিরুদ্ধে কাশ্মীর রাজপথত বিভিন্ন সংগঠনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে এই দলে। বিউরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।